न केवल रफ्तार, खबरों में सार और मजबूत आधार। नमस्कार, मैं खुशी व्यास और आप देख रहे हैं HP न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। सीहोर जिले से बड़ी खबर, दिल्ली से भोपाल जा रहा 20 टन लिक्विड ऑक्सीजन का कंटेनर श्यामपुर के पास अनियंत्रित होकर पलटी खा गया। सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता व SP SS चौहान ने मौके पर पहुंचकर तत्काल क्रेन और JCB की व्यवस्था की। आपको बता दें, 8 क्रेन और 4 JCB मशीन की मदद से ऑक्सीजन के कंटेनर को सीधा करके निकाला गया। इस कंटेनर को सीधा करने में तकरीबन 8 घंटे लगे। आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते देश भर के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली से भोपाल एक बड़ा इनॉक्स एयर कैप्सूल कंटेनर ऑक्सीजन लेकर दिल्ली से भोपाल जा रहा था, जो शनिवार की सुबह करीब 4 से 5 बजे NH-42 हाईवे पर श्यामपुर में अल्फा कॉलेज के पास पलटी खा गया। बताया जा रहा है कि अंधेरा होने व सामने से दूसरे वाहन की चकाचौंध ने कंटेनर को अनियंत्रित कर पलटी कर दिया, जिसे निकालने के लिए श्यामपुर व कुरावर से क्रेन बुलाई गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर कलेक्टर अजय गुप्ता, SP SS चौहान, SDOP CM द्विवेदी, श्यामपुर थाना प्रभारी भंवर सिंह भूरिया, दोराहा थाना प्रभारी KG शुक्ला, SDM रवि वर्मा, तहसीलदार अतुल शर्मा सहित बड़ी संख्या में राजस्व व पुलिस अमला मौके पर पहुँचा गया, जो ऑक्सीजन के कंटेनर को क्रेनों की मदद से सीधा किया गया। SP SS चौहान ने बताया कि मौके पर 8 क्रेन 4 JCB मशीन से कंटेनर को निकाला गया, लेकिन रिसाव ना हो इसलिए काफ़ी सावधानी बरती जा रही थी। हादसे में कंटेनर का ड्राइवर व क्लीनर सुरक्षित हैं। दुर्घटनाग्रस्त इस ऑक्सीजन में कैप्सूल में 20 टन लिक्विड ऑक्सीजन है, जिसमें व्हीकल कुल वजन लगभग 50 टन है। इसके भारी वजन की वजह से इसे हाई पावर क्रेन से उठाने की आवश्यकता हुई। यह कैरियर दिल्ली से गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एस्टेट के लिए रवाना कर दिया है। भोपाल में आवश्यक प्रक्रिया के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किए जाने का शेड्यूल है। पीलूखेड़ी से शाहिद पठान की रिपोर्ट। कितनी गैस होगी सर ऑक्सीजन? लिक्विड ऑक्सीजन है जो भोपाल के काम है। ये मरीजों के लिए? बिल्कुल, ये कोरोना के जो मरीज भर्ती हैं जिनको ऑक्सीजन लग रहा है उसी की सप्लाई है, विशेष सप्लाई है। थैंक यू। दिल्ली से भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल इस्टेट में आ रहे एक ऑक्सीजन कैप्सूल जिसमें लगभग 40 टन ऑक्सीजन था, वो अनियंत्रित होने की वजह से श्यामपुर थाने के पास घाट पलासी नामक जगह पर पलट गया था, जिसे पुलिस एवं जिला प्रशासन सीहोर के द्वारा प्रयास करके अभी ऑन रोड किया गया है। इसमें अच्छी बात यह है कि उसमें कोई भी ऑक्सीजन लीकेज नहीं हुआ है और ना ही दुर्घटना में कोई हताहत हुआ है। हम जल्दी ही गोविंदपुरा स्टेट से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।